अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी पबजी खेलते हैं? तो फिर आप जानते होंगे कि पबजी का पूरा नाम है प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड में ये अननाउन प्लेयर है कौन और उसका असल नाम क्या है? अगर नहीं जानते तो बताने जा रहा हूँ कि प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड में अननाउन प्लेयर कौन सा है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इस पबजी गेम के पीछे सबसे बड़ा राज कौन सा है, सबसे अहम राज कौन सा है, जिसे अगर आप जान जाएं तो आपकी किस्मत बदल सकती है। आप कुछ ही अरसे में दौलतमंद शख्स बन सकते हैं, आप पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। वो कौन सा अहम राज है, जानिए आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपके साथ शेयर करूंगा आयरलैंड के एक नौजवान की स्टोरी। आयरलैंड का एक नौजवान जो फोटोग्राफी का शौक रखता था, शादियों के इवेंट अटेंड करता था और फोटोग्राफी करता था, जिससे कुछ पैसे कमाकर अपना गुजारा करता था। लेकिन क्योंकि बड़े ख्वाब रखता था तो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। फिर उसने कहा आयरलैंड में नहीं, ब्राज़ील चलता हूँ। वो ब्राज़ील गया और दौलत कमाने का जो ख्वाब रखता था उसकी तकमील में लग गया। हुआ क्या कि वो फोटोग्राफी करता रहा, पैसे कमाता रहा, लेकिन उसकी तवक्को के मुताबिक वो पैसे ना कमा सका। कुछ अरसे बाद उसने शादी की ब्राज़ील की एक लड़की के साथ, लेकिन 2 साल बाद उस तलाक दे दी गई। अब उसको तलाक दे दी, लेकिन उसकी तलाक देने के बाद दिन ब दिन उसके हालात ख़राब होते गए। वो बद से बदतर हालात का शिकार होता गया। आखिर में हुआ क्या कि उसने आयरलैंड वापस जाना चाहा, लेकिन आयरलैंड जाने के लिए टिकट खरीदने के उसके पास पैसे तक ना थे। उसने दिन टीम ख़त्म कर दी, सारा दिन कमरे में रहना शुरू कर दिया और ऑनलाइन काम करके पैसे कमाना शुरू किए। जब कुछ पैसे कमा लिए तो उसने टिकट का अरेंज किया और आयरलैंड जाने का इरादा कर लिया। जब वो ब्राज़ील में था और कमरे में रहता था तो उसने उन दिनों गेम में ऑनलाइन गेम्स खेलना शुरू की। ये वो पहला दिन था जब उसको पता चला कि ऑनलाइन भी गेम्स को खेला जा सकता है। वो गेमों की दुनिया में पहली दफ़ा इन हुआ। 2014 में वो जब ब्राज़ील से आयरलैंड वापस अपने मुल्क गया और उसने जाके वहाँ फिर से फोटोग्राफी का काम करना शुरू कर दिया। और साथ साथ उसने गेमों में इंटरेस्ट उसका क्योंकि बढ़ता जा रहा था, उसने फ्री गेम्स मोड्स बनाना शुरू कर दिए। उसने 2016 में पहला फ्री गेम मोड्स बनाया जो कि पूरी दुनिया में बड़ा हिट हुआ, जिसका नाम था आर्मा 2। आर्मा 2 के नाम से इस गेम मोड के बाद वो उसने बेशुमार और मोड्स बनाए। फ्री गेम मोड्स बनाने से पहले बताता चाहूँ कि वो इतनी गुर्बत का शिकार हो चुका था कि वो आयरलैंड की गवर्नमेंट से मिलने वाले वजीफे के ऊपर गुजर बसर करता था। और जब उसने फ्री गेम्स मोड्स बनाना शुरू किया और इन मोड्स के बनने के बाद दिन ब दिन वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा मोड्स बनाना शुरू कर दिए। और हुआ क्या कि एक दिन सोनी नामी एक कंपनी ने उसे गेम काउंसलिंग की जॉब की ऑफर कर दी, जिसे उस नौजवान ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद उसने एक मूवी जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतासर था, जिसका नाम था रॉयल बैटल, जिसमें एक आर्मी के कुछ लोग एक जजीरे के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। उसने उससे मुतासर होकर एक और फ्री गेम मोड बनाया जो रॉयल बैटल के नाम से था। कुछ ही अरसे बाद जनूबी कोरिया की एक कंपनी ने उसे ऑफर की कि क्यों ना हम रॉयल बैटल के नाम से रॉयल बैटल की मूवी के तनाजुर में उस तरह की स्टोरी की एक गेम बनाएं। तो फिर उसने उस गेम पर वर्किंग शुरू की और उसने एक गेम बना डाली जिसका नाम उसने रखा प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड, जी हाँ पबजी। और पबजी बनाने वाले इस नौजवान का नाम था ब्रेंडन ग्रीन। और ब्रेंडन ग्रीन जब ऑनलाइन गेम्स खेला करता था तो वो अपना नाम अननाउन प्लेयर यूज़ किया करता था। उसने उसी नाम से इस गेम का नाम रखा जिसका नाम था प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड। अब ब्रेंडन ग्रीन की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये ब्रेंडन ग्रीन वो नौजवान है जिसने सिर्फ गेम में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं खेली, बल्कि उसने गेमों को खेलने के बाद गेम बनाना भी सीखा और पूरी दुनिया के नौजवानों को मुतासर किया। इस पबजी गेम के पीछे सबसे बड़ा और सबसे अहम राज ये है कि क्या आप भी सारी उम्र गेम्स ही खेलते रहेंगे? क्या पबजी, लूडो स्टोर और 8 बॉल पोल ही खेलते रहेंगे? क्या आप सारी उम्र मूवीज ड्रामे ही देखते रहेंगे? क्या आप गेम खेलने के बाद अगर अपनी गेम नहीं बना सकते तो आपने सिवाय एंटरटेनमेंट के उससे कुछ नहीं सीखा या आपका इंटरेस्ट नहीं हो सकता? क्या आपने अगर मूवीज और ड्रामे देखने का शौक रखते हैं
लेकिन बीसियों ड्रामे देखने के बाद अगर आप ड्रामा लिख नहीं सकते तो आप वक्त जाया कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ इस इंटरटेनमेंट के जरिए सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाते रहेंगे जो 8 बॉल पोल, लूडो स्टार, पबजी और फेसबुक व्हाट्सएप के मालिक हैं, जो इंटरटेनमेंट के साथ साथ इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के साथ साथ अपना पैसा भी जाया कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं राना तजम्मल हुसैन साहब, वो अक्सर कहा करते हैं कि फारिग वक्त में म्यूजिक ना सुनिए बल्कि म्यूजिक तख्ली कीजिए। तो इस गेम के पीछे आज का सबसे अहम राज जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि तमाशबीन ना बनिए बल्कि तमाशा लगाना सीखिए। आज के बाद आप अपना एक तमाशा लगाएं जिसके बीसियों हजारों लाखों तमाशबीन हों और वो आपकी इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपकी अर्निंग का भी सोर्स हो। बहुत शुक्रिया।